नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निश्चल है आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निश्चल के माध्यम से। पिछले दिनों बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं मुझे प्राप्त हुई हैं क्लेम पर, तो इससे उत्साहित होकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे क्लेम पर कुछ और चर्चा करनी चाहिए जिससे कि लोगों को वो ज्ञान प्राप्त हो सके, वो चीज़ प्राप्त हो सके जिसकी उन्हें तलाश है, वो उद्देश्य प्राप्त कर पाए जिसको लेकर के वो इस संसार में भटक रहे हैं और उन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं जिनकी इच्छा उनके मन में होती है। प्राय ऐसा देखा गया है कि लोग छोटे छोटे उद्देश्यों को लेकर जीते हैं, मेरी शादी अमुक लड़की से हो जाए या मेरी शादी अमुक लड़के से हो जाए या मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, मुझे कुछ आर्थिक सहायता प्राप्त हो जाए या कुछ इस तरह के छोटे छोटे उद्देश्य लेकर के मनुष्य जी रहा है और उन्हें लेकर के मुझसे चर्चा करता है कि मैं क्लेम से उसका कुछ सॉल्यूशन बताऊं, क्लेम के माध्यम से उसका कुछ उपाय बताऊं जिससे कि उसकी रोजमर्रा की समस्याएं जिनमें वो उलझ गया है वो दूर हो सके। तो पहली बात तो मैं ये आपको बता देना चाहता हूं कि क्लेम कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसको आप बहुत छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए लेकर के चले। आप ये मान लें कि अपने जीवन का उद्देश्य आप जितना बड़ा रखेंगे, आप अपने विचारों को जितना विस्तृत रखेंगे उतना ही आपको क्लेम का फायदा मिलेगा, उतना ही आपको क्लेम से सहायता मिलेगी। वो देखिए किस प्रकार से मिलती है। हम ये जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क का जो अवचेतन भाग है, जो अवचेतन मस्तिष्क है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वही हमारे संपूर्ण जीवन का निर्धारण भी करता है कि हमें इस संसार में क्या कार्य करना है, हम क्या करने के लिए आए हैं और हमको कहाँ तक पहुँचना है, कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं। एक बात आप याद रखें कि आपके अवचेतन मस्तिष्क में आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से, आपके 10, 20, 50 पीढ़ियों से जो संस्कार चले आ रहे हैं, जो स्मृतियाँ चली आ रही हैं, वो सब उसके अंदर स्टोर्ड है, वो सब उसके अंदर उपस्थित हैं। ऐसी आपकी इच्छाएं जो आप पूर्ण करना चाहते थे जो नहीं कर सके किसी कारण से, इस जन्म में भी बहुत सारी इच्छाएं हैं जो आपको लगता है कि अब वे पूरी नहीं हो पाएंगी, तो वे भी अंततः कहाँ जाती हैं, आपके अवचेतन मस्तिष्क में ही तो जाती हैं। वहां पर वो स्मृतियों के रूप में एकत्रित होती रहती हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, एक ऐसा ग्रंथि बन जाती है जिसे इस जीवन में तोड़ पाना, जिसे रिजॉल्व कर पाना आपके वश की बात नहीं। फिर आप तलाश करते हैं एक ऐसे गुरु की, एक ऐसे व्यक्ति की जो इन चीजों में आपकी सहायता करे। तो मैं आपसे ये बता देना चाहता हूं कि आप इस ग्रंथि को, आप इस समस्या को, इस कॉम्प्लेक्स को बहुत आसानी से हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं, और वो उपाय है क्लेम। क्लेम का प्रयोग अगर आप शास्त्रीय विधि के अनुसार, आप नियमानुसार अगर करते हैं, वो मैं आपको दीक्षा के समय बताता हूं कि किस तरीके से करना है, तो अगर आप उस तरीके से करते हैं तो आपके अवचेतन मस्तिष्क की जो गांठें हैं, जो ग्रंथियां हैं, वो धीरे 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 टूटने लगती है। तो जब वो सक्रिय हो जाता है तो आप यकीन माने कि आप उन ऊंचाइयों को छूने लगते हैं जहां पर आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की। इसलिए कभी भी आप क्लेम को छोटे छोटे उद्देश्यों से मत जोड़ें कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, क्लेम हमने 5 माला कर ली, हमने 11 माला कर ली, हमने 21 माला कर ली, हमने 1.25 लाख कर लिया, हमने 1.5 लाख कर लिया, ये सब संख्याएं मुझे मत गिनाएं। आप एक बात समझिए कि जब तक आप कहीं पर समर्पित नहीं होते, कहीं पर आप शरणागत नहीं होते,
तब तक आपके कार्य नहीं बनते, आपकी ग्रंथियां नहीं खुलती, आपके मस्तिष्क की ग्रंथियां नहीं खुलती। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि एक आम मनुष्य, एक साधारण मनुष्य अपने मस्तिष्क का केवल 2-3% हिस्सा ही प्रयोग में ला पाता है, बाकी सब तो उसकी ऊर्जा बिल्कुल बेकार चली जाती है, वो किसी काम में नहीं आती। और हम जीवन में उस मस्तिष्क की ऊर्जा का उपयोग ही नहीं कर पाते और हम उन कार्यों को नहीं कर पाते जो हम करना चाहते थे या जो हमारे अवचेतन मस्तिष्क में पुराने पिछले जन्मों से जो इच्छाएं, जो अपूर्ण इच्छाएं हमारे मस्तिष्क में पड़ी हुई हैं, स्मृतियों के रूप में पड़ी हुई हैं, वो ना पहले पूरी हुई थी ना इस जन्म में पूरी हो पाती हैं, क्योंकि हम इस जन्म में भी वही ढर्रा चालू रखते हैं जो हमने पिछले जन्मों में किया, जो हमने पहले गलतियां की वही गलतियां आज भी आप बार 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 वही रिपीट कर रहे हो। आप छोटे छोटे उद्देश्यों में भटक जाते हैं, आप अपने घर द्वार की जो छोटी छोटी समस्याएं उनमें इतना उलझ जाते हैं कि आप साक्षी भाव उत्पन्न कर ही नहीं पाते। आप ये सोच ही नहीं पाते कि आखिर मैं अलग हूं और ये समस्याएं अलग हैं, मैं कोई और हूं, ये समस्याएं मुझसे जुड़ी नहीं है। मैं इन समस्याओं को अगर इनसे ऊपर उठ करके सॉल्व करूंगा तो शायद आसानी से दूर कर पाऊंगा, लेकिन जब आप उन समस्याओं का ही एक हिस्सा बन जाते हैं तो आपका साक्षी भाव उन समस्याओं के प्रति खत्म हो जाता है और आप उन समस्याओं में इतना उलझ जाते हैं कि फिर आप उसी में रोते हैं, उसी में हंसते हैं, उसी में सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं और अंततः कहीं भी नहीं पहुंचते। एक छोटा सा उदाहरण, जब मैंने ये चैनल शुरू किया था मुझे भी यकीन नहीं था कि क्लेम की शक्ति इतनी जबरदस्त है कि ये इतना इसमें स्कोर हो जाएगा। आज 2 वर्ष में भी पूरे नहीं हुए और मेरी उम्मीदों से बाहर इसमें एक इतना भयंकर विस्फोट है कि हर रोज मेरे पास सैकड़ों की तादाद में फोन आते हैं सिर्फ क्लेम की जानकारी के लिए, और मैं वो जानकारी उनको बड़े प्रेम के साथ, बड़े समर्पण के साथ देता हूं। जिनसे मेरी फोन से बात हो जाती है उनको भी देता हूं, जिनसे नहीं हो पाती उनको नंबर ढूंढ कर मैं स्वयं फोन करता हूं, उनको बताता हूं कि आप किस तरीके से इसको कीजिए, और वो कर रहे हैं। और जिस तरीके से वो लोग कर रहे हैं, जैसे मेरे बताए रास्ते पर, मेरे बताए विधि से जो क्लेम का जाप कर रहे हैं, उनको उसके अपेक्षित फल भी मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको बस कुछ धैर्य रखना पड़ेगा, आपको कुछ शांति मन में धारण करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बात आप सोच रहे हैं, अगर आपने 2-3 चीजें अपने जीवन में ढाल ली जिसमें से पहली चीज है क्षमा, अगर आप गलतियों को, दूसरे की गलतियों को जो लगातार आपके साथ होती जा रही है उनको अगर आप क्षमा करना सीखते हैं तो आप एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स को अपने मस्तिष्क में पैदा होने से रोक देते हैं। तो पहली चीज क्षमा करना सीखिए, जो हो गया वो हो गया, उसे जाने दीजिए, अब आगे की रास्ता देखिए। और दूसरी चीज शांत रहना सीखिए, अगर आप शांत जितने होंगे तो आपका मस्तिष्क उतना ही अच्छा कार्य करेगा। आपके विचार अगर बवंडर नहीं मचाते आपके मस्तिष्क में, समुद्र की लहरों की तरह उपद्रव नहीं करते, शांत रहते, शांत रहना सीखिए, तो भी आपका मस्तिष्क बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। ये क्लेम आपकी सहायता करेगा आपके विचारों को नियंत्रित करने में, आपके विचारों को ओरिएंट करने में, आपके अवचेतन मस्तिष्क को ऊपर ले जाने, उसकी गांठों को खोलने में आपकी पूर्ण सहायता करता है। बस आपको पूर्ण समर्पित भाव से, पूर्ण शरणागति के साथ आपको क्लेम मंत्र का जाप करना है, जैसे मैं कहता हूं उस तरीके से कीजिए। मुझे विश्वास है कि आप निश्चित ही उन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे जिनकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की। मैं ये बात अवश्य मानता हूं कि कई बार आपके ग्रह नक्षत्र आपका साथ नहीं देते, लेकिन आप धैर्य पूर्वक करेंगे तो वो भी समय निकल जाएगा और आप उन उद्देश्यों को प्राप्त भी कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप कमेंट जरूर कीजिए, मुझे बताइए और मुझसे अपनी समस्याओं को शेयर कीजिए, क्लेम की दीक्षा लीजिए और उसे आप अपने जीवन में ढालिए। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य ही उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाएंगे
जिनकी कभी आपने कल्पना की। इधर को कुछ दिनों से मैं ऐसा देख रहा हूं कि कुछ लोगों ने शिकायत की है कि हमसे कोई व्यक्ति पैसे की मांग करता है। हालांकि वो बीच में चैनल मेरा ये हैक हो गया था, उस समस्या को हमने काफी हद तक सॉल्व भी कर लिया है, लेकिन फिर भी अगर कोई इस तरह की बात होती है तो आप सीधे मुझसे संपर्क करें, मुझे बताएं कि इस तरह की स्थिति है और इस तरह के लोगों के जाल में न फंसे जिससे कि आपको मानसिक रूप से कोई पीड़ा पहुंचे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस चैनल के माध्यम से या मेरे माध्यम से आपको कोई मानसिक हैरेसमेंट या कोई पीड़ा पहुंचे, और अगर पहुंचती है तो मैं हृदय से आपसे इस बात के लिए क्षमा चाहता हूं कि अगर मेरी तरफ से कोई पीड़ा आपको पहुंची है तो आप मुझे कृपया क्षमा करें और मुझसे सीधे बात करके उस समस्या का समाधान मेरे से लें। नमस्कार, शुभ रात्रि।